दिखाता मैडम जी, फ्रेम दिखाता मैं आपको। कौन पूछेगा? आप बाल एकदम। कब जा रहा है? 10 को जा रहा है। इस रोल मैं आप लोगों के सामने बहुत खूबसूरत अदाकारा, भोजपुरी सिनेमा की बहुत बड़ी एक्ट्रेस, सुपरस्टार रानी चटर्जी से मिलवाना चाहता हूँ। रानी जी, आप क्या कहना चाहती हैं हमारे भोजपुरी दर्शकों? सबसे पहले मैं नर्वस हो रही हूँ क्योंकि देव जी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। वैसे मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि देव जी को आप जानते होंगे, हमारी फिल्म आई थी इच्छाधारी, जिसके डायरेक्टर हमारे देव जी थे और फिल्म बहुत बड़ी हिट थी। और सर, आपने पूछा है कि मैं क्या कहना चाहूँगी। मैं इतना कहना चाहूँगी कि मेरी फिल्में आ रही हैं जो अभी रिलीज पे सबसे पहले आएगी कसम दुर्गा के, इसकी मैं डबिंग अभी कर रही हूँ। और इसके बाद मैं फ्लोर पे जाने वाली इश्क बड़ा बेदर्दी है, देन चोर मचाए शो, ये तीन फिलहाल अभी चल रही है। हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? एकदम सीरियसली हमें बताना पड़ेगा कि हम तो रानी जी के सामने असिस्टेंट थे और खूब लाइनें मारी, बट इन्होंने कभी चांस मौका दिया नहीं, क्योंकि उनके सामने बड़े बड़े स्टार थे, मनोज तिवारी जी, निरहुआ जी, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, यश कुमार। लेकिन क्या करें, सब एंगेज हो गए। हम इनके सामने डायरेक्टर बने और हमें इनकी कई फिल्मों में असिस्टेंट रहा, और जो फिल्म मैं एज ए डायरेक्टर इनके साथ काम किया वो इच्छाधारी थी, और भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से बहुत बड़ी फिल्म खूब चली, और पूरी फिल्म के दरमियान मैं इनकी खूबसूरती को ही देखता रहा और उस कैनवास को खूबसूरत उतारा भी हूँ, जिसमें उसके सारे गाने बहुत खूबसूरत लगे।